सो गाइस जहाँ जाके मैं समोसे लेकर आया हूँ, बहुत मशहूर है नॉर्थ कराची में डेलिश, बहुत महंगी बेकरी है। इसका समोसा 33 रुपीज़ का है। एम यासीन समोसा कॉर्नर है ही समोसा कॉर्नर से रिलेटेड, तो 25 रुपये का है। रेहान बेकर्स डेलिश के बराबर में इसकी टक्कर की खुली हुई है बेकरी। मीठा इसलिए कि आलू मीठे हैं, आलू मीठे हैं, व्हाइट वाले आलू डालते हैं बस सारे व्हाइट आलू डाल दिए, सस्ते आलू डाल दिए उन्होंने। भैया मोहम्मद यासीन भाई, आप बोले थे मुझे वीडियो में जरूर अच्छा शॉर्ट आउट देना, आपने मीठा आलू का समोसा बना लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज बदील, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो यार आज थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, हल्का हल्का फीवर हो रहा था, तो हमने बोला ज्यादा दूर नहीं जाते शूट पे। तो अम्मी ने कुछ मंगाया और वो चीज लेने गए तो वहाँ एक बच्चे को समोसे खाते हुए देखा, तो हमने बोला मिल गया कॉन्टेंट। मतलब आज की वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे कराची का, बल्कि कराची का नहीं, नॉर्थ कराची का सबसे बेस्ट समोसा कौन सा है। यहाँ हम जितनी भी अच्छी बेकरीज हैं वहाँ पे जाएंगे और कुछ नॉर्मल जगह से भी समोसा उठाएंगे, ताकि ये ना हो कि लोग बोलेंगे भाई तू तो बाइस्ट हो गया है, सिर्फ बड़ी बेकरी से समोसा उठा रहा है, छोटी जगह पे भी खाओ क्या पता वहाँ पे भी जायका हो। तो हर जगह से हम लोग समोसे उठाएंगे, तकरीबन 4 से 5 जगह से उठाएंगे, जहाँ जहाँ फेमस है। मुझे पता है नॉर्थ कराची में किस किस के समोसे अच्छे हैं, तो वो उठाते हैं घर पे लाते हैं, फिर अम्मी के साथ टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि नॉर्थ कराची में सबसे बेस्ट समोसा किसका है। तो चलो फिर समोसे लेने चलते हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट सारी जगह से समोसे लेके आ चुका हूँ, पीछे समोसे पड़े हुए हैं। एक चीज़ बड़ी अफसोस की बात हुई कि सिवाय सागर्स के किसी ने शॉपर नहीं दिया, और एक जो 5 स्टार थी जिसके पास सबसे पहले समोसा लेने गया था उसको भी मैंने 5 रुपये बोले, तो फिर उसने शॉपर दिया। तमाम समोसे वालों में से सिर्फ डेलिश की पैकिंग एक थी जो कि उनके उसके मुताबिक है, बेकरी के मुताबिक, बाकी सब के सिंपल शॉपर से। तो टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। सो गाइस जहाँ जाके मैं समोसे लेकर आया हूँ, बहुत मशहूर है नॉर्थ कराची में डेलिश, बहुत महंगी बेकरी है। इसका समोसा 33 रुपीज़ का है। एम यासीन समोसा कॉर्नर है ही समोसा कॉर्नर से रिलेटेड, तो 25 रुपये का है। रेहान बेकर्स डेलिश के बराबर में इसकी टक्कर की खुली हुई बेकरी, इसका है 30 रुपये का समोसा। 5 स्टार जाके मैं अक्सर समोसे खाता था, काफ़ी छोटा समोसा, बिल्ली का बच्चा बना दिया इसने, तो खैर इसके भी 25 रुपये। और ये सागर्स बेकरी है, बहुत बड़ी बेकरी है, इसका भी 25 रुपये। तो इन तमाम समोसों में से अभी हम खाएंगे और फिर आपको बताएंगे विच वन इज़ द बेस्ट। तो भाई ये सारे समोसे रखे हुए हमारे पास, ठीक है, एक से एक बेकरी का है और नॉर्थ कराची की अच्छी से अच्छी जगह का है। अगर आपको भी चाहते हैं कि आपके भी फेवरेट जगह का समोसा हो तो बताएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको जरूर शामिल करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सागर्स बेकरी से। ये जो समोसा है ये है 25 रुपीज़ का, लेकिन अम्मी सागर्स बेकरी जो है ना बहुत बड़ी खुली, हाँ सामने खुली हुई, हाँ वो बहुत काफी बड़ी वो है बेकरी, पहले आप ट्राई करें। सच्ची सच्ची बताएगा पापड़ी तोड़ी है खाली इसमें, मसाला भी है, सही सही बताएगा जैसे भी आपको लगे। इनमें से सबसे बेस्ट बताना है कौन सा, कैसा? अच्छा तो है, अच्छा पूरा पूरा तो खाएंगे नहीं, बाकी भी खाएं। अच्छा है, अच्छा समोसा। और एक अच्छी चीज है इसका जो आलू जो मसाला डाला हुआ है ना वो सही है, ज्यादा मिर्चे नहीं है, और वो नहीं होता जो मिर्चे डालते थे पिसी हुई, हाँ वो भी नहीं, वो नहीं है इसमें, इसमें हरा मसाला हुआ है। तो सागर जो है ना भाई ये अभी तक बेहतरीन चल रहा है, अभी देखते हैं इसके बाद। ये 5 स्टार चौरंगे में जहाँ सेक्टर 9 में, इसके मैं काफी खाता था, खा के देखें इसके अंदर से मसाला रेड है, हाँ को मसाला थोड़ा अलग है, मुझे तेज है लेकिन है अच्छा, चटपटा है, हाँ हम जैसे लोगों के लिए दुबो वाला सही है, लेकिन ज्यादा हाँ जो चटपटे खाते हैं ना उनके लिए वाला सही है सागर वाला, ये वाला भाई 5 स्टार भी अभी पास है, अभी कंफर्म नहीं है कौन इनमें से जीतेगा। अब है रेहान बेकरी डेलिश के बराबर में जो है ना, उसका समोसा इनमें से सबसे ही बड़ा है भाई, सबसे बड़ा समोसा 25 रुपए का ही, सारे 25 नहीं 30 रुपए का ही है, अच्छा 30 रुपए मतलब इसीलिए बड़ा हो गई। अब इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है, खाए ये वाला तोड़ ले, नहीं ये सही है,
कैसा इसका तो समोसा ही मुझे ऐसा लाल लाल इसका वो मसाला लाल लाल लगा मेथी वाली आ रही है इसमें कुछ मेथी सारे सड़ा हुआ दुनिया दे दिया नहीं नहीं टेस्ट हाँ मेथी की बहुत आ रही है मम्मी हाँ मेथी की आ रही है इसमें इसको साइड में कर दो भाई क्या नाम है रिहान बेगर दाई कोई सबसे अच्छा सागर से लगा भाई ये रिहान बेकर आप कंपटीशन से आउट हो गए आपने बहुत ही मेथी डाल दी मेथी दाना अबे मोहम्मद यासीन समोसा कॉर्नर ये 11C1 में ही है बीएमआर पार्क के सामने तो ये है ही समोसे से रिलेटेड इसके समोसे काफी अच्छे होते हैं हमें खाएं मीठा है मीठा चाहिए कि आलू मीठे आलू मीठे हैं व्हाइट वाले आलू डाले बस सारे आखिरी समोसा बचा है भाई डेलिश का भी बहुत बड़ा समोसा होता है इसका समोसा तो देखो अल्लाह माफी मोटू पतलू अब इसका टेस्ट देखो आप क्या करें भाई डेलिश बहुत महंगी समोसा वो बहुत महंगी बेकरी है 33 रुपए का इसका समोसा है 33 क्या हो गया नमक कम अभी क्या है अम्मी ये मजा नहीं सबसे अच्छा उसका है सागर का दूसरे नंबर पे ये भाई ये भी टूर्नामेंट से बाहर है डेलिश हमारा डैलिश तुमने 33 रुपए का समोसा दिया बेगैरती की इंतिया कर दिया आपने अच्छा इनका भी आलू मीठा हो रहा है देखो खाके देखो इसका आलू इन लोगों ने व्हाइट वाले आलू डाले में पता है लाल वाले आलू आजकल जो आ रहे हैं ना वो सही है सागर इज द विनर ही इज ऑन द नंबर वन नॉर्थ कराची का पता है इनकी मिठाई इनके केक वगैरह इतनी बड़ी बेकरी है ये जो मैं अंदर ही है मेरी आंखें खुल गई और समोसा देखा मैं समझा 45 या 50 रुपए का वो लेगा इनके छोटा सा पिज्जा भी बहुत मजे का है और मिठाई भी बहुत अच्छी है सागर जीत गया भाई अम्मी है सागर फर्स्ट है और 5 स्टार इतनी छोटी बेकरी है ये भी अच्छा है इसका भी सही दूसरे नंबर सब लोगों के लिए है जो लोग चटपटा खाते हैं उनके लिए है ये भाई ये जितने भी बड़े नाम थे ये फीके पकवान निकले सही है मीठे और पीके तो नंबर वन सागर आया भाई और सेकंड आया 5 स्टार जहाँ से मैं काफी अर्थ से पहले समोसे खाता था तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी अम्मी कुछ बोलना चाहती हैं बस मैं तो यही कह रही हूँ कि बनाए हैं लेकिन ये कि अगर पैसा इंसान लगा रहा है तो मतलब आलू भी वो लेते हैं लेने वाले को बताना चाहिए कि ये आलू मीठे हैं या पीके हैं वो तो लेके आके सस्ते के उस पर लेके आ जाते हैं और समोसे इतने महंगे तो क्या फायदा खाने से मीठा भी खा रहे हैं और उसमें इतने पैसे भी दे रहे हैं हम लोग तो क्या फायदा ये लोग भी थे इनके भी तो अच्छे बने हुए भाई 25-25 वाले जीत गए सागर वालों की जो है इनकी तो मिठाई भी बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने इनका टेस्ट किया था मिठाई केक पेस्ट्री तक बहुत अच्छी है भाई सागर जीत गया बहुत अच्छी चीज है मैंने सागर का बिना छुपा कोई मुकाबला नहीं और इनका मेरे ख्याल से हलवा पूरी भी बता रहे हैं हलवा पूरी भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा क्योंकि ये हमारी बच्ची वगैरह खाती है तो बता रही थी इसका हलवा पूरी भी बहुत अच्छा है मैं टेस्ट करूंगी नेक्स्ट पार्ट में आप लोग बताएगा कमेंट सेक्शन में किस किस के समोसे ट्राई करने इंशाल्लाह वो करेंगे फिर उसका रिव्यू करेंगे ये थी हमारी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना अपना बहुत सारा ख्याल रखना अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज चाय बनाने मिल रहे नहीं देखो हम तो पपड़ियां खा लेंगे पपड़ी